नमस्कार, जस हिंदी के खास कार्यक्रम स्टेट टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेंद्र सिंह। आज के इस खास कार्यक्रम में आप और हम स्टेट टॉक करने जा रहे हैं एक बड़े ही अहम मसले पर, एक बड़े ऐलान पर, जो चुनावी ऐलान है। लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा चुनावी वादा किया है। चुनावी जंग में बाजी अपने नाम करने के लिए राहुल गांधी ने दुनिया की सबसे बड़ी न्यूनतम आय गारंटी योजना का वादा किया और कहा कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपये मिलेंगे। जी हाँ, राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर न्यूनतम आय गारंटी योजना का वादा किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि 5 साल तक मोदी सरकार में गरीब दुखी रहे, अब हम उन्हें न्याय देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हमने मनरेगा कमिट किया था तो मनरेगा को लागू भी किया, और भी बहुत सारे जो हमने वादे किए थे वो हमने लागू किए। उनका कहना ये है कि किसी भी परिवार की कम से कम 12,000 रुपये महीने की आय होनी ही चाहिए। इसलिए सरकार की तरफ से अगर उनकी सरकार बनती है तो जो मदद हो सकती है वो सरकार करेगी, और 72,000 रुपये सालाना का मतलब है 6,000 रुपये हर महीने गरीब परिवार को दिए जाएंगे। चुनावी ऐलान है, चुनावी घोषणा है, ऐसे में सवाल उठ खड़ा होता है कि क्या इस चुनावी घोषणा को गेम चेंजर माना जाए कांग्रेस के लिए। सवाल उठता है कि क्या मोदी की एयर स्ट्राइक के ऊपर, राहुल गांधी की गरीबी के ऊपर एयर स्ट्राइक भारी पड़ेगी। सवाल उठता है कि इस ऐलान से, जी हाँ, जो ये नोट देने का ऐलान किया गया है, क्या नोट के बदले कांग्रेस को वोट मिलेंगे। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल ये है, और भी तमाम सवाल हैं। आप हमें कॉल कीजिए, आप अपनी राय, अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए। टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर नंबर आप देख पा रहे होंगे, उसको डायल करके आप हमें बताइए। हमारे सवाल ये हैं कि कांग्रेस ने जो नोट देने का वादा किया है, क्या इसके बदले में कांग्रेस को वोट मिलेंगे? क्या कांग्रेस के लिए ये जो स्कीम है, न्याय योजना है, ये गेम चेंजर साबित होगी? क्या बीजेपी के 6,000 रुपये सालाना का, 6,000 रुपये महीना ये ऐलान है, ये उसका तोड़ निकालने की कोशिश है? क्या 5 करोड़ परिवारों को 72,000 रुपये सालाना देना संभव होगा? और जो ये योजना है, इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, फंड कहाँ से आएगा, क्या बजट ये अलाउ करता है? और लोगों को ये जो फ्री की आमदनी देने की स्कीम होती हैं, ये कितनी सही है? क्या गरीबी हटाने के लिए ये कारगर फॉर्मूला साबित होगा, जैसा कि कांग्रेस ने दावा किया है कि ये आखिरी प्रहार होगा गरीबी पर? और कांग्रेस की जो ये न्याय योजना है, न्याय योजना नाम इसे दिया गया है, इस पर हमारे विदेशों में बसे भारतीयों की क्या राय है? हमारे भारतीय दर्शकों के एनआरआईज की क्या राय है, इनका क्या मानना है, ये हम जानना चाहते हैं। टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर आप जो नंबर देख रहे हैं वो डायल करके आप अपनी राय, अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा करें, क्योंकि ये बड़ा चुनावी ऐलान किया गया है, और हो सकता है कि चुनाव अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इसी स्कीम के इर्द गिर्द सारी की सारी बहस समेटने की कोशिश होगी कांग्रेस की, और हो सकता है कि इस दौरान बहुत सारे मुद्दे पीछे छूट जाए, जिस तरह से हमने ये देखा है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना ने जो बालाकोट के ऊपर एयर स्ट्राइक की थी, तो उसके बाद जो तमाम सियासी मुद्दे थे उसी के इर्द गिर्द सिमट कर रह गए थे। वो चाहे बेरोजगारी का मसला हो, वो पीछे छूट गया था, भुला दिया गया था। अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव हुए उसको भी भुला दिया गया था, पीछे छोड़ दिया गया था। नोटबंदी हो, जीएसटी हो, जिसे विपक्ष लगातार भुनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एयर स्ट्राइक के बाद ये मुद्दा भी पीछे छूट गया था। महिला सुरक्षा, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, तमाम मसलों को भुला दिया गया था। चर्चा हो रही थी, जिक्र हो रहा था सिर्फ और सिर्फ एयर स्ट्राइक का, पुलवामा का। लेकिन जब राजनीति आगे बढ़ी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, तो बहुत सारे मसले फिर से उठाए जाने लगे, खासतौर पर बेरोजगारी का मसला उठाया जाने लगा, विपक्ष की तरफ से उठाया गया। लेकिन अब
चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद जब नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं, एक के बाद एक लिस्ट जारी हो रही है, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो रही है, ऐसे में राहुल गांधी ने बड़ा चुनावी ऐलान किया है। कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक के बाद राहुल गांधी मीडिया के सामने आए। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पिछले 5 साल में कांग्रेस जो है वो देख रही है कि जनता बीजेपी सरकार से परेशान है, इसलिए कांग्रेस ने फैसला लिया है कि हम हिंदुस्तान के लोगों को न्याय देने जा रहे हैं, हम न्यूनतम आय गारंटी देने जा रहे हैं। ऐसी योजना दुनिया में कहीं नहीं है, इतने बड़े स्तर पर उन्होंने ये ऐलान किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि हम 12,000 रुपये महीने की आय वाले परिवारों को न्यूनतम आय गारंटी देंगे। कांग्रेस गारंटी देती है कि वो देश में 20% सबसे गरीब परिवारों में हर परिवार को हर साल 72,000 रुपये देगी और ये पैसा उनके बैंक खातों में सीधे डाल दिया जाएगा। लाइन 12,000 रुपये, 12,000 रुपये महीने की होगी। तो कांग्रेस पार्टी गारंटी करती है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को, शौक मत होना, अभी धमाका बजने जा रहा है, 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपये देने जा रही है। ऐसे कहता हूं, साल में, एक साल में 20% सबसे गरीब परिवारों को, हर जात, हर धर्म, हर भाषा के गरीब परिवारों को 72,000 रुपये साल के उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा। 20% परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको सीधे 72,000 रुपये हर साल दिए जाएंगे अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, बैंक खातों में दिए जाएंगे। 72,000 का मायना हो गया कि करीब करीब 6,000 रुपये हर महीने प्रत्येक गरीब परिवार को दिए जाएंगे, और 20% परिवारों का मतलब ये है कि 5 करोड़ परिवार, और 5 करोड़ परिवारों का मतलब है 25 करोड़ लोगों को, जी हाँ, 25 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा। इसलिए बड़ी स्कीम है, बड़ी घोषणा है, और इसके ऊपर स्टेट टॉक जरूरी हो जाता है। आप लोगों की राय, आप लोगों के विचार साझा करना जरूरी हो जाता है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये महज एक चुनावी जुमला है, और चुनावी जुमला क्या उसी तरह का है जिस तरह से 15,00,000 रुपये देने का वादा किया गया था? सवाल यहाँ पर यह भी है कि अगर कांग्रेस इसको लेकर सीरियस है, और अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो फिर इसके लिए फंड्स कहां से अर्जित किए जाएंगे? क्या हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा राजस्व ये अलाउ करता है कि इतनी बड़ी योजना को चलाया जा सके और मुफ्त में गरीब परिवारों को 72,000 रुपये हर साल दे दिए जाएं? सवाल यहां पर ये भी है कि क्या ये जो ऐलान है ये कांग्रेस के लिए गेम चेंजर होगा? सवाल ये भी है कि जिस तरह से आप याद कीजिए कि बीजेपी भी एक स्कीम लेके आई, 6,000 रुपये सालाना जो गरीब किसान है उनके खाते में डालने की योजना, और एक किस्त आ भी चुकी है उसकी किसानों के खाते में। तो क्या उसके ऊपर एक तरीके से पलटवार है, क्या उसका तोड़ निकालने की कोशिश की है कांग्रेस ने? सवाल यहां पर यह भी है कि क्या इस तरह से पैसे देने से गरीबी हट जाएगी, जैसे कि कांग्रेस का दावा है कि ये गरीबी के ऊपर आखिरी हमला होगा, इसके बाद भारत में गरीबी रेखा से नीचे कोई परिवार नहीं रहेगा? तो ये तमाम सवाल हैं, और तमाम सवालों के ऊपर आप और हम स्ट्रेट टॉक करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना है, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने जो ये ऐलान किया है न्याय स्कीम का कि 72,000 रुपये हर साल गरीब परिवारों को दिया जाएगा, और उसी पर आप लोगों की राय आमंत्रित है। विजेंद्र कुमार हैं, न्यूयॉर्क से हमारे एक दर्शक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, स्वागत है आपका। थैंक यू जी। सर, आपकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में, ये कारगर हो पाएगा, संभव है, कितना फायदा कितना नुकसान? कारगर जब भी हो पाएगा, ये कि भाई
आप जो एक सर्टेन लिमिट होनी चाहिए उसके कि भी जिनको गरीबों को पैसा मिलना है, जो जिनके पास जॉब नहीं है नौकरी, उनको पैसा दें एज ए सोशल सिक्योरिटी, जैसे कनाडा में दिया जाता है, अमेरिका में दिया जाता है, यूरोप में भी दिया जाता है, जो जॉब नहीं करते जिनके पास जॉब नहीं है। लेकिन उसके साथ जॉब भी क्रिएट करना पड़ेगा कि कम से कम जैसे उनको जॉब मिले, जैसे वो एक ईयरली इनकम उनके पास हो जाए, तो उसको उस गरीबी उससे कट कर दें। इज नॉट परमानेंट सोल्यूशन। जिक्र भी किया है राहुल गांधी ने अपने ऐलान के दौरान, उन्होंने ये कहा था कि मान लीजिए किसी परिवार की सैलरी है या इनकम है 4,000 रुपए, तो उसको हम 12,000 रुपए करने की कोशिश करेंगे, मतलब सरकार की तरफ से दिया जाएगा 8,000 रुपए, और अगर 6,000 रुपये किसी परिवार की इनकम है तो उसमें 6,000 रुपये सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। मतलब कोशिश ये है कि 12,000 तक। जी नहीं, देखिए अगर 5 का परिवार है, गरीब आदमी कोई भी है आज की डेट में, उसको 12,000 रुपये मिनिमम, 10-12,000 रुपये मिनिमम चाहिए चाहिए उसको जी, खाली दाल रोटी खाने के लिए है ना। आप 2,000 रुपये में 4,000 रुपये में कैसे गुजारा हो सकता है, वो दे कांट सर्वाइव। मिनिमम इनकम तो होनी चाहिए कि मिनिमम, जैसे कि हमारे यहाँ कनाडा में है कि मिनिमम आपको $5,600 कनाडा में देते हैं। यूएस के अंदर भी आप देखो स्टैम्प है, सब 200 per child, 150 per child देते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही वहाँ पर भी होना चाहिए कि एक मिनिमम इनकम तो होनी चाहिए ना, जो कि आपको गुजारने के लिए चाहिए। अच्छा इसमें अच्छा इसमें दो तरीके की बहस निकल के सामने आ रही है, विचार निकल के सामने आ रहे हैं कि अगर लोगों को मुफ्त में पैसे दे दिए जाते हैं बिना किसी काम के, तो फिर एक जो वर्क कल्चर होता है उसके ऊपर हो सकता है कि असर पड़े कि लोग काम करना छोड़ दें, ये संभव है? ये कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि हमारे क्या है कि इंडिया के अंदर है भी ऐसा, क्योंकि एक बार थोड़ा सा फ्री में मिलने जाए लोग काम नहीं करना चाहते, लेकिन उनको आप मोटिवेट तो कर सकते ना। मोटिवेट द पीपल राइट, तो भी ठीक है तुम्हारे को ये पैसा भी मिला लेकिन आप काम भी करो, तो कम से कम जो गवर्नमेंट है जो भी है उसको एक विंग बनानी पड़ेगी, एक ऐसी कोई कमेटी कर लो कुछ हो जो उनके ऊपर देख सके कि यहाँ भी जिनको हम पैसा दे रहे हैं वो काम भी कर रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं नहीं चाह रहे हैं। जी अच्छा विजेंद्र जी, एक सवाल और है कि ये चुनावी ऐलान है तो चुनाव के ऊपर आप किस तरह का असर देखते हैं, क्या कांग्रेस के पक्ष में आएगा कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क तो थोड़ा पड़ता है, अब वही वाली बात है, जैसे कि अब गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने या इंडियन गवर्नमेंट ने जैसे स्ट्राइक की तो उसका असर चारों तरफ होगा, तो उसके बाद व्हाट्सएप ले लो कहीं पर भी ले लो, सिर्फ वही चीज आ रही थी कि यहाँ भाई स्ट्राइक स्ट्राइक, तो ऑल दूसरे जो मुद्दे हैं वो तो खत्म हो गए, तो इसका फर्क तो पड़ेगा पड़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो सही। अच्छा लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से 15,00,000 रुपए देने का वादा बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया था, उन्होंने नहीं दिया है, तो ये 72,000 रुपए भी हमारे उसी तरह से। 15,00,000 रुपए जो थे वो तो क्या था कि बोला कि बाहर से आएगा है ना, ब्लैक मनी, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, ये तो क्या है कि ये तो टैक्सपेयर की मनी जाएगी ना। तो ये मनी तो गवर्नमेंट देगी देगी, अगर उन्होंने बोला तो टैक्सपेयर की मनी जानी है अल्टीमेटली। बीजेपी भी, बीजेपी जो 6,000 रुपए जो फार्मर्स को दे रही है वो कहाँ से जाएगा? इट्स नॉट फ्रॉम द ब्लैक मनी, इट्स फ्रॉम द टैक्सपेयर मनी। बिल्कुल 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 जी। विजेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने कीमती विचार अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। आपसे अपील ये है कि आप जुड़ते रहा कीजिएगा, क्योंकि ये मंच आपका ही है, ये कार्यक्रम आपका ही है। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र जी। थैंक यू। तो विजेंद्र कुमार न्यूयॉर्क से हमारे दर्शक, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उनकी तरफ से ये भी साझा की गई कि ये अपनी तरह की अलग स्कीम जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कहीं दुनिया में लागू हो रही है। उन्होंने कनाडा का उदाहरण दिया, कई सारी यूरोपीय जो कंट्रीज हैं उनका उदाहरण दिया, वहाँ पे ये स्कीम ऑलरेडी लागू है, वहाँ पर इस तरह से सुनिश्चित किया जाता है सरकारों की तरफ से कि एक मिनिमम इनकम तो हर नागरिक को मिले ही मिले, ताकि वो अच्छे से सर्वाइव कर पाए। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि सुनिश्चित कीजिए कि लोग काम करना ना छोड़ दें, लोगों को काम करने के लिए मोटिवेट करते रहिए, और अगर ऐसी कोई स्कीम लागू होती है तो ये मॉनिटर करना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो भी लोग इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं, जैसे ही
वो कुछ और इनकम और कहीं किसी साधन से इनकम को जनरेट करने लग जाए, वहां से इनकम हासिल करने लग जाए, तो फिर उन्हें इस इनकम का फायदा ये जो सरकारी योजना अगर होगी तो की बात है, अगर वो कहीं और से इनकम इतनी हासिल करने लग जाए तो उन्हें इस स्कीम से बाहर कर दिया जाए। तो मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्थिति है और 25 करोड़ लोग, जी हाँ 25 करोड़ लोग इसके लाभार्थी हो सकते हैं अगर इस योजना को लागू किया जाए। 5 करोड़ परिवारों को फायदा पहुंचाने की बात है, 20 फीसदी जो परिवार हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको फायदा पहुंचाने की बात राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर मोदी जी सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं तो कांग्रेस भी सबसे गरीब लोगों को पैसा देगी। इसे दुनिया की सबसे बड़ी न्यूनतम आय योजना करार देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह गरीबी पर आखिरी हमला है, ये योजना चरणबद्ध तरीके से लागू होगी, सेगमेंट वाइज इसे लागू किया जाएगा, शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, ये बहुत ही प्रभावशाली और सोची समझी योजना है, हमने योजना पर कई अर्थशास्त्रियों से विचार विमर्श किया। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा आंकलन कर लिया गया है, सब कुछ तय कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे 5 करोड़ परिवार यानी 25 करोड़ लोगों को फायदा होगा। राहुल गांधी ने क्या कुछ दावा किया वो सुनवाते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी देश के सबसे गरीब लोगों को पैसा दे सकती है। 5 करोड़ फैमिलीज, 25 करोड़ लोगों को डायरेक्ट स्कीम का फायदा मिलेगा। मिनिमम इनकम लाइन 12,000 रुपए की है। जी हाँ, तो 12,000 रुपए की मिनिमम इनकम लाइन है, ये सुनिश्चित करने की बात उनके तरफ से की गई है। तो आप लोगों के क्या विचार है, राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं उसके बारे में आप लोगों का क्या मानना है, क्या ये स्कीम संभव है, क्या भारत में ऐसा संभव है, क्या इससे गरीबी जा सकती है, क्या इतना राजस्व है, इतना बजट है, बजट हमारा अलाउ करता है, और जो कनाडा का अगर जिक्र करें और यूरोपीय कंट्रीज का जिक्र करें, अमेरिका का जिक्र करें, तो उस तरह की योजना को क्या यहाँ पर अमली जामा पहनाया जा सकता है, क्या इससे कांग्रेस को चुनाव में फायदा होगा, या फिर बीजेपी जिस तरह से काउंटर कर रही है उसको कहीं ना कहीं क्रॉस कर देगा बीजेपी का काउंटर पॉइंट। तो ये तमाम सवाल है जिन पर आप लोगों की राय, आप लोगों के विचार आमंत्रित है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आप देख पा रहे हैं वो डायल करके आप भी कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। जी हाँ, बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने, वित्त मंत्री ने राहुल गांधी के दावे की हवा निकालने की कोशिश की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को ये ऐलान किया कि वो जो सबसे बड़ी न्यूनतम आय की योजना का वादा करते हैं अगर देश में उनकी सरकार बनती है तो। करीब 5 करोड़ गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 रुपये दिए जाएंगे। इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की ये योजना एक धोखा है, एक छलावा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास गरीबी और गरीबी हटाने के नाम पर राजनीतिक व्यवसाय का रहा है। उनका इतिहास गरीबी हटाने का नहीं रहा है बल्कि योजनाओं के नाम पर छल कपट का रहा है। कांग्रेस चुनाव तो गरीबी हटाने के नाम पर जीतती थी लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान कभी गरीबी का वितरण किया गया, कभी गरीबी को हटाया नहीं गया। कांग्रेस गरीबी हटाने के लिए आवश्यक काम जैसे कि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, समाज में आमदनी बढ़ाने से संबंधित कभी कोई भी नीति नहीं लेकर आई। वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में छल कपट और धोखा होता रहा है। 2008 में कर्ज माफी का ऐलान किया गया, आप लोगों को याद होगा किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया गया था और उसके बाद ही ये माना जा रहा है कि यूपीए को दूसरी टर्म मिली थी, वो बड़ा ऐलान किया गया था। तो 2009 में फिर से यूपीए जीत के आई थी, सरकार बनाई थी, लगातार 2 कार्यकाल मिले थे। तो जो वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली, उन्होंने 2008 में उस कर्ज माफी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 70,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी का ऐलान किया गया था लेकिन कर्ज माफी हुई महज 52,000 करोड़ की। और भी अलग अलग राज्यों का उन्होंने जिक्र किया, पंजाब में जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी जितना ऐलान किया गया उसके मुकाबले बहुत कम कर्ज माफ किया गया।
कर्नाटक का भी उन्होंने जिक्र किया, साथ ही राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, जहां पर कांग्रेस की सरकारें बनी हैं। कर्नाटक में कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, और तीन राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है। तो वहां पर जो कर्ज माफी का ऐलान किया गया है उसके मुताबिक कर्ज माफ नहीं किया गया है। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है। छोटे से ब्रेक के बाद लगातार चर्चा जारी है कि जो ये कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया है, क्या ये संभव है या ये संभव नहीं है, किस तरह से इसे लागू किया जाएगा, इसके लिए फंड कहाँ से आएंगे, और क्या इससे कांग्रेस को चुनाव में फायदा होगा। छोटा सा ब्रेक, स्टेट टॉक जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। स्ट्रेट टॉक कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस की तरफ से जो ऐलान किया गया है, क्या ऐलान किया गया है, 72,000 रुपये हर साल गरीब परिवारों को दिए जाएंगे। 20% गरीबी रेखा से नीचे परिवार हैं, यानी ये आबादी हो जाती है 5 करोड़ परिवार, 25 करोड़ लोग, इन लोगों को इस स्कीम के तहत फायदा पहुंचाया जाएगा अगर कांग्रेस सत्ता में आती है 2019 में। तो क्या कांग्रेस इस ऐलान के बाद सत्ता में आ जाएगी? सवाल ये है कि क्या इस स्कीम को लागू करने के लिए जरूरी राजस्व है, इतने पैसे हैं क्या सरकार के राजस्व में, फंड कहाँ से आएंगे? सवाल यहाँ पर ये भी है कि क्या इससे गरीबी मिट जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस की जो ये नोट वाली योजना है, इससे कांग्रेस को वोट मिल जाएंगे? इन तमाम सवालों पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों के क्या विचार हैं, आप हमें कॉल कीजिए, आप हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे न सिर्फ राहुल गांधी का, उन्होंने जो ऐलान किया, बल्कि उनके ऐलान के बाद किस तरह से बीजेपी ने उन पर निशाना साधा, कांग्रेस पर निशाना साधा। वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान आया है। अरुण जेटली ने कहा है कि मोदी सरकार पहले ही गरीबों को 5.34 लाख करोड़ रुपए के फायदे दे रही है, जो कि राहुल गांधी की तरफ से जो ऐलान किया गया है, मतलब 72,000 रुपए हर साल के, ये जो ऐलान किया गया है इससे 1.5 गुना ज्यादा मोदी सरकार पहले ही गरीबों को दे रही है। आज केंद्र सरकार की 55 विभागों की योजनाएं हम डीबीटी के माध्यम से इन गरीब परिवारों को ऑलरेडी उनके बैंक के खाते में दे रहे हैं। उसका खर्चा है 1.8 लाख करोड़। अलग अलग योजना में, किसी में 500, किसी में 800, किसी में 2,000 रुपया पहली तारीख को किसान के खाते में पहुंच जाता है, गरीब के खाते में पहुंच जाता है। अब फूड एक्ट में लिखा है, राइट टू फूड एक्ट में, कि आप यहां अनाज दे सकते हैं या डीबीटी के माध्यम से दे सकते हैं या उसके लिए बदले में पैसा दे सकते हैं। उसका इस साल खर्चा रखा है 1.84 लाख करोड़। फर्टिलाइजर का हम लोग दे रहे हैं, अभी कंपनियों के माध्यम से जाता है, अगर प्रत्यक्ष किसान को चला जाए 75,000 करोड़। मनरेगा उस 1.8 में इंक्लूडेड है, लेकिन पीएम किसान इंक्लूडेड नहीं है। पीएम किसान भी उसी के माध्यम से जाता है गरीबों को 75,000 करोड़। और स्वास्थ्य के लिए तो 20,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। तो अगर हम ये सारा का सारा, इसमें से काफी कुछ, लगभग 60-70% हम डीबीटी से दे रहे हैं, बाकी भी डीबीटी से शुरू कर दें, जो होना चाहिए मैं मानता हूं, तो इन गरीब परिवारों को जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है वो आज की तारीख में है 5.34 लाख करोड़, जो आज दिया जा रहा है। तो ये कौन सा 3.6 लाख करोड़ डीबीटी के माध्यम से देकर आप गरीब पे एहसान कर रहे हो? उससे 1.5 गुना ज्यादा तो हम दे ही रहे हैं।
जहाँ वित्त मंत्री को आप सुन रहे थे, यहाँ पर दो एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी राय सामने आ रही है। एक तो एक तरफ ये बहस छेड़ने की कोशिश हो रही है कि ऐसा करना संभव है ही नहीं, जो राहुल गांधी की तरफ से ऐलान किया गया है, संभव ही नहीं है, कैसे हो जाएगा, इतना तो बजट ही नहीं है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि ऑलरेडी इससे तो ज़्यादा दिया जा रहा है जितना राहुल गांधी की तरफ से ऐलान किया गया है, बल्कि उससे डेढ़ गुना ज़्यादा दिया जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं स्कोप तो है, कैसा संभव है, लेकिन क्या इसको संभव करने के लिए कांग्रेस सत्ता में आएगी, क्या कांग्रेस के प्रति माहौल बनाने में ये ऐलान काम करेगा। सवाल यहाँ पर ये भी है कि इसके काउंटर में बीजेपी की तरफ से और क्या क्या कहा जाएगा, क्योंकि एक बात तो लगातार ये कही जा रही है कि कांग्रेस इतने साल राज किया है, कांग्रेस ने करीब करीब 7 दशकों तक कांग्रेस ने राज किया है, कांग्रेस ने शासन चलाया है, खासतौर पर गांधी नेहरू परिवार का एक बड़ा स्टेक है इस राज चलाने की पूरी के पूरे कार्यकाल में। तो एक टाइम हुआ करता था जब हमारे देश ने आज़ादी हासिल की थी, तब जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनसे लेकर फिर आगे ये परंपरा बढ़ी, उनके बाद शास्त्री जी आए और फिर एक के बाद एक और प्रधानमंत्री बनते रहे, सरकारें बनती रही, और एक नारा दिया गया इंदिरा गांधी सरकार के दौरान गरीबी हटाओ का। तो तब से लेके गरीबी हटाने की, गरीबों को ऊपर उठाने की, उनके उत्थान की बातें हो रही हैं, लेकिन आज तक नहीं हुआ। 2019 में क्या फिर उसी नारे के साथ, उसी संकल्प के साथ कांग्रेस को फायदा होगा? क्या कांग्रेस के इस वादे के ऊपर जनता भरोसा करेगी? क्योंकि वादे और नारे तो बहुत टाइम से किए जा रहे हैं, लगातार कहे जा रहे हैं कि गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हमारे देश से नहीं हटी है। तो इसी को लेकर बीजेपी हमलावर है, वित्त मंत्री हमलावर है अरुण जेटली। अरुण जेटली ने कहा है कि कांग्रेस का इतिहास गरीबी हटाने के नाम पर राजनीतिक फायदा उठाने का रहा है। कांग्रेस ने गरीबी नहीं हटाई है कभी भी, चुनाव जीतने के लिए गरीबों को धोखा देना और उनके जो साथ है एक तरीके से अनदेखी उनकी कर देना, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने जो भी कहा है उस पर लोग भरोसा करने वाले नहीं है, अरुण जेटली ने कहा है। कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास गरीबी और गरीबी हटाने के नाम पर राजनीतिक व्यवसाय करने का रहा है। उनका इतिहास गरीबी को हटाने का नहीं रहा। गरीबी को हटाने के लिए कोई साधन दिए जाएं, वो भी उनका इतिहास नहीं रहा। योजनाओं के नाम पर छल कपट रहा है। पंडित जी के जमाने में विकास दर 3.5% थी, जो उनका आर्थिक मॉडल था, जिसको विश्व हमारा मखौल उड़ाता था और व्यंग के रूप में हमें कहता था कि ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। तो उसमें तो कोई गरीबी हटाना वो संभव नहीं था। इंदिरा जी तो 1971 में गरीबी हटाने के नाम पर चुनाव जीती थी, गरीबी हटाओ उसका मुख्य नारा था, जो आज तक लोगों को स्मरण है। राजीव जी के कार्यकाल में तो विवाद ही चलते रहे, इसलिए बहुत कार्रवाई नहीं हो पाई। और कई बार अगर आप देखें तो 10 वर्ष के यूपीए के कार्यकाल में भी किस प्रकार से एक प्रकार से छल कपट धोखा ब्लफ होता था। लोन वेवर, जो सबसे पहले मदर स्कीम आई थी 2008 में, 70,000 करोड़ रुपए का हम ऋण माफ कर रहे हैं, वन टाइम एफर्ट, जीवन में एक बार 70,000 करोड़ का। हम तो पीएम किसान में 75,000 करोड़ प्रतिवर्ष देंगे, हम तो मनरेगा में 60,000 करोड़ प्रतिवर्ष दे रहे हैं, वन टाइम स्टेप ऑफ 70,000, दिया कितना 52,000। और सीएजी ने कहा दिया किसको, एक बड़ा अंश दिल्ली के व्यापारियों को मिल गया।
आज भी अगर आप देखें तो कितनी विधानसभाओं में इन्होंने कहा कि किसान का ऋण माफ करेंगे। पंजाब में तो 2 वर्ष हो गए, कर्नाटक में भी काफी समय हो गया, अब तो अन्य विधानसभाओं को भी हो गए। अभी तक, और मैं औपचारिक ऑफिशियल आंकड़े दे रहा हूं, कर्नाटक ने खर्चा है 2600 करोड़, मध्य प्रदेश ने खर्चा है 3000 करोड़ और पंजाब ने 2 वर्षों में खर्चा है 5500 करोड़। अ कंप्लीट आई वॉश। वायदा क्या था? चुनाव जीतने के लिए धोखा देना गरीब को और उसके बाद साधन न देना। यह कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि गरीब को नारे दो, साधन मत दो। दोनों ही पक्ष आपके सामने हैं, सरकार जो मौजूदा सरकार है उसका क्या कहना है, बीजेपी का क्या कहना है, वित्त मंत्री की क्या राय है, और वो पक्ष भी आपके सामने है जो ऐलान किया गया है कि कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो 72,000 रुपये सालाना गरीब परिवारों को दिया जाएगा। इन सब के बीच में आपकी राय क्या है, आपके क्या विचार है? टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आप देख पा रहे हैं वो डायल करके आप भी कार्यक्रम में अपनी राय, अपने विचार शामिल करवा सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। देखिए बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने जो ऐलान किया है, कांग्रेस ने जो ऐलान किया है, चुनावी वादा किया है कि उनकी अगर सरकार आती है तो मिनिमम गारंटी स्कीम लागू की जाएगी, न्याय योजना लागू की जाएगी, न्याय योजना जिसके तहत 72,000 रुपये सालाना गरीब परिवारों को दिए जाएंगे। 20% परिवार जो हमारे देश में गरीबी रेखा से नीचे हैं, 5 करोड़ परिवार बनते हैं, 25 करोड़ लोग बनते हैं, उनको इसका फायदा होगा अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो। तो कांग्रेस की क्या राय है इसको लेकर? कांग्रेस का ये कहना है कि ये आखिरी प्रहार होगा गरीबी के ऊपर, गरीबी उसके बाद देश में नहीं रहेगी। बीजेपी का ये कहना है कि ये महज एक चुनावी जुमला है, धोखा है, कांग्रेस का इतिहास रहा है गरीबी हटाने के नाम पर गरीबों के साथ धोखा करने का। कुछ और लोगों की राय है वो आपको बताते हैं, लेकिन आप लोगों से भी अपील है कि आप लोगों की क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, वो आप हमारे साथ साझा कीजिए। टीवी स्क्रीन पर जो आप नंबर देख पा रहे हैं वो डायल करके आप भी कार्यक्रम का हिस्सा बने। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने भी राहुल गांधी की जो घोषणा है उसकी आलोचना की है। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि चुनाव जीतने के लिए जिस तरह से पहले भी घोषणाएं की जाती थी वैसे ही इस बार भी की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने जिस योजना की घोषणा की है उससे वित्तीय घाटा और बढ़ेगा, काम ना करने के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा और ये योजना कभी लागू नहीं हो पाएगी। एक और ट्वीट में राजीव कुमार ने लिखा कि मिनिमम इनकम गारंटी योजना देश की जीडीपी का 2% हिस्सा लेगी और कुल बजट का 13% हिस्सा इसमें चला जाएगा, इससे देश की जनता की असली ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। राजीव कुमार ने तीसरा ट्वीट भी किया, तीसरा ट्वीट उन्होंने जिसमें लिखा कि कांग्रेस पार्टी ने 1971 में गरीबी हटाओ का वादा किया था और साल 2008 में वन रैंक वन पेंशन का वादा किया था, साल 2013 में खाद्य सुरक्षा का वादा किया था, लेकिन उनमें से किसी भी वादे को पूरा नहीं किया गया। ऐसा ही लोक लुभावन वादा कांग्रेस ने एक बार फिर किया है जो पूरा नहीं होगा। कुछ और प्रतिक्रियाएं हैं कि भी कुछ लोगों ने कहा है कि फायदा तो इससे होगा लेकिन इसके तहत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जैसे कि जो कॉलर हमारे साथ जुड़े थे विजेंद्र जी, उन्होंने भी ये बात कही थी, उन्होंने भी कहा था कि फ़ायदा इससे होगा, यूरोपीय देशों में ऐसा हो रहा है, कनाडा में ऐसा हो रहा है, अमेरिका में ऐसा हो रहा है, इससे फ़ायदा तो होगा लेकिन मॉनिटर करने की ज़रूरत है, उसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आर्थिक मामलों के कई जानकारों ने ये कहा है कि ऐसी योजनाएं अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी हो सकती हैं लेकिन उसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ICICI सिक्योरिटीज़ के फिक्स्ड इनकम रिसर्च विभाग के
प्रमुख ए प्रसन्ना है, उन्होंने कहा है कि बड़े पैमाने पर कैश ट्रांसफर की योजनाएं अर्थव्यवस्था में तेजी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन अगर लंबी अवधि की बात की जाए, लॉन्ग टर्म की बात की जाए, तो ऐसी योजनाएं तभी कारगर होती है जब उन्हें ठीक से तैयार किया गया हो और भोजन, ईंधन जैसी जो चीज़ें होती हैं उनमें दी जाने वाली सब्सिडी को भी उसमें शामिल कर लिया जाए। राहुल गांधी ने न्यूनतम आय देने का वादा किया है। इससे पहले जनवरी में उन्होंने इस बात को कहा था, अलग अलग मंचों से रैली में उन्होंने ये ऐलान पहले ही किया था, लेकिन उस दौरान उन्होंने अमाउंट नहीं बताई थी। और हालांकि जो ये राशि कितनी होगी, ये पहली बार उन्होंने ये ऐलान किया है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि वो राशि कितनी होगी जिसका वो बार बार जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से ये बात साझा की। प्रोफेसर अभिजीत विनायक हैं बनर्जी, जो उन्होंने भी न्यूनतम आय की जो ये गारंटी स्कीम है इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि न्यूनतम आय गारंटी को लेकर लोगों में काफ़ी सहानुभूति होती है, लेकिन भारत जैसे इतने बड़े देश में और जटिल देश में इसकी पालना करवाना बहुत बड़ी चुनौती है। प्रोफेसर अभिजीत विनायक बनर्जी ने सवाल किया है कि अगर कोई व्यक्ति काम करना बंद कर दे और गरीब हो जाए तो क्या वो भी इस योजना के तहत मदद पाने का हकदार होगा, यानी किसी आधार पर ये तय करना होगा कि कोई व्यक्ति आर्थिक मदद पाने के लिए हकदार है या नहीं है। प्रोफेसर बनर्जी ने कहा कि हमारा जो अध्ययन है वो बताता है कि गरीब लोग यही आकर पिछड़ जाते हैं और जो कम गरीब लोग होते हैं वो इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। कुछ हद तक भ्रष्टाचार की वजह से भी ऐसे स्कीम्स के ऊपर नुकसान पहुंचता है और जो जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं जो उनके हकदार होते हैं उन तक नहीं पहुंचती हैं। स्टेट टॉक में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।